आपके एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता, अक्सर आता है, कभी एक नंबर में आ जाता है, कभी किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ आ जाता है। तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनानी है। बेसिक सिर्फ एक है कि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लीजिए और उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते चले जाओ, अपने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो आपने बना ली, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, और कम से कम तीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करके दिखानी है, कम से कम तीन। मतलब आपको ये भी बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विडिस्टेंट हैं या अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को इक्वल डिस्टेंस पर बनाकर दिखाएंगे, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? जो अभी अभी आपने बनाया था, ये आपकी पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली और दूसरी के बीच में आपको डिस्टेंस कम देना है, स्मॉल डिस्टेंस देना है, दूसरी और तीसरी के बीच में आपको क्लियरली विजिबली लार्जर डिस्टेंस देना है, पता चलना चाहिए कि लार्जर डिस्टेंस पर है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आते भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट चार्ज है, और सबसे पहले आपको इसमें क्या ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है रेडियली आउटवर्ड। और अब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हैं, तो सीधी बात है इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है चार्ज से दूर, क्योंकि डाइवर्जिंग है लाइट, यहां पर रेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्जिंग है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने यहां बनाई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और बनाइए इसको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने एक और बनाई, और तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस अब आपको बनानी है लार्जर डिस्टेंस पर बनानी है। ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कभी तो साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया ड्रॉ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, कभी ऐसा भी कहा गया है इलेक्ट्रिक ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ चार्ज सच दैट क्यू ग्रेटर देन जीरो, मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज के लिए भी यही बनेगी, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है चेंज। एक और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, सबसे ज्यादा तो ये वाले पूछे गए दोनों, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में। डाइपोल का भी कई बार एग्जाम में आ चुका है पिछले 10-12 सालों में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक डाइपोल बनाना है प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां 2L वगैरह हम कुछ नहीं शो करेंगे, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां बनेंगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से इस निगेटिव चार्ज में तक आते हुए, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर जाते हुए। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करती चले आना है, तो बन जाएगा इलेक्ट्रिक। बहुत ध्यान से देखना, यहां सरफेस की शेप बहुत अजीब सी बनेगी, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं बनने वाली, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी के साथ घटता है। कुछ ओवल सी शेप बनेगी, इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ, अगली वाली में और आपको क्लियर हो जाएगा। अंडाकार ओवल सी शेप बनेगी, इसके बाद कम से कम तीन बना करके दिखाएंगे आप, कम से कम तीन सरफेसेस आप बना के दिखाएंगे। देख रहे हैं, यहां इनके बीच में कम डिस्टेंस है, लेकिन यहां तेजी के साथ डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है दोनों चार्जेस के बीच में। ऐसे ही आपको यहां बना करके दिखाना है, ऐसे ही आपको यहां बनाकर दिखाना है ओवल शेप में। दोनों तरफ ये सेम डिस्टेंस नहीं है, कई किताबों में डायग्राम गलत बना हुआ है, ये है करेक्ट डायग्राम। हालांकि मुझसे भी अभी करेक्ट नहीं बना, एक बार देखो मैं और कोशिश करता हूं, सिर्फ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्रॉ कर रहा हूं इन लाइंस के बिना, तो शायद कुछ ज्यादा बेहतर डायग्राम बना पाऊंगा। ये है शेप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है।